इस साल मेरे फिजिक्स में 175, केमिस्ट्री 175 और बायो में ओवरऑल स्कोर मेरा 350 है, और इसके लिए मैं ओवरऑल मेरा पूरा क्रेडिट सीएलसी को जाता है। मैं थैंक यू सीएलसी के फैकल्टीज, बॉस और पूरी सीएलसी की टीम मैनेजमेंट को बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को हर एक मोड़ पे, हर एक पॉइंट पे कैसे चलना है, क्या करना है, हर एक चीज़ की गाइडेंस दी, हर एक बात को बताया कि अगर तुम्हें 720 लाने हैं तो तुम्हें ये पर्टिकुलर एक पाथ फॉलो करना है। इस बॉस ऐसे एक बात बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स धूप में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, सिर्फ 6 किताबें हैं उन्हें तो प्यार से पढ़ना है। तो पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की दुकान है टायर ट्यूब पंचर की। डियर, वो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, टिफिन वहीं खाते होंगे ना? टिफिन वहीं खाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं भाई, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखें। तो लास्ट ईयर मेरा स्कोर 588 था और इस साल मेरा स्कोर 700 है। 588 से 700 पे गए, 120 नंबर आपने, 110 12 नंबर बढ़ाया, 12 नंबर बढ़ाया, शाबाश। और इस साल मेरे फिजिक्स में 175, केमिस्ट्री 175 और बायो में ओवरऑल स्कोर मेरा 350 है, और इसके लिए मैं ओवरऑल मेरा पूरा क्रेडिट सीएलसी को जाता है। और जब लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट आया था तो जब एआईआर देखी मैंने अपनी, तो पता चल गया कि ओबीसी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस बार अगर कॉलेज मिल भी गया तो वो किनारी वाला मिलेगा और उसमें ऐसे मतलब मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर मम्मी पापा ने बोला कि अब टेंशन मत ले, जो हो गया वो हो गया, रिलैक्स कर, क्योंकि रिजल्ट आने के 3-4 दिन बाद ही दिवाली थी। तो हाँ, रिजल्ट आया था बिल्कुल। तो मम्मी ने बोला दिवाली हो जाए, माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर, सरस्वती को प्रणाम कर, और अगले ही दिन तो सीकर चला जा। तो दीदी ने बोला कि अगर तेरे को कहीं जाना ही है तो सीकर चला जा और सीएलसी में जा, क्योंकि उधर कैंप चलेंगे रात में, क्योंकि सीएलसी में कैंप और टेस्ट सीरीज सबसे बड़ी चीज़ ही, सीएलसी का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्ट्रेंथ्स भी यही है कि यहाँ पे कैंप चलते हैं जहाँ मेन सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है। कि आप ये नहीं इंपॉर्टेंट होता कि आपने टीचर्स क्लासेस कितनी ली, वैसे इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टी वगैरह सब, लेकिन वो तो सभी लेते हैं यार, वो तो हर कोचिंग में मिल रही है क्लासेस तो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने सेल्फ स्टडी कितनी ज़्यादा की। जितनी ज़्यादा अगर सेल्फ स्टडी करोगे आपका रिजल्ट उतना ज़्यादा उभरेगा। तो सीएलसी में कैंप का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि सीटिंग आपको एक साथ, अगर आप 5 घंटे बैठ के पढ़ोगे। किस रूम में था तेरा? 4 नंबर में? हाँ सर, 4 नंबर पूरा सेट, 4 नंबर। तो ये हमारा कर्मस्थली का रूम नंबर 4 जो है ना, ये वहाँ 112 बच्चे बैठते थे, वो से 112 के 112 बच्चे अबाउट 650 है। पॉजिटिव माहौल मिल गया सर, डिस्कशन यस, और कोई बात करने बात करने सके अपने। तो एक्चुअली क्या, लास्ट ईयर ना मेरे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए थे सर, तो इस बार ना ऐसे फोन वगैरह मेरे को ऐसे हो गया था कि अब मैं फोन चलाऊंगा। पिछले साल की बदमाशी किया ऐसे, मूवीज वगैरह देखने लग गया था। तो बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मैं, ये लड़का स्वीकार रहा है कि मैंने मूवीज देखी इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। तो सुन लो रे, सब छोड़ना पड़ता है क्यों भाई? हाँ सर, इस बार सब कुछ छोड़ा आपने यार, छोड़ दो मोबाइल एक साल छोड़ दो, बन जाओ आशीष यार, एक साल छोड़ दो भाई यार, 588-700 कन्वर्ट कर लो ना यार। अरे पूरी जिंदगी पड़ी मूवी देखने में यार, पूरा जीवन पड़ा है नीट और उसके बाद दुनिया भर के, फिर करो ना, कौन कहता जिंदगी में आनंद करो ना यार, पर आनंद के लायक तो बनो पहले, जिंदगी में उसके लायक तो बनो सबसे पहले, प्लीज बात रखें अपने। तो इस वजह से जब इस साल जब बॉस ने बोला कि फोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो अब फिर एक ही ऑप्शन बच गया, या तो तुम डाउट डिस्कशन करो, जो हमारे हॉस्टल में काफ़ी अच्छा माहौल मिलता ही है डाउट डिस्कशन का। ऐसे टेस्ट होने के बाद हमेशा बच्चे आते हैं, तुम्हारे कितना स्कोर है, तुम्हारे कितना स्कोर है, कौन सा गलत हो गया, ऐसे डिस्कशन में हमको 5-6 सवाल ऐसे ही याद आते हैं। नहीं, बिल्डिंग का फायदा क्या है, जैसे आप वहाँ जो अच्छे बच्चे होते हो ना, तो 180 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अधिकतम 10 क्वेश्चन होते हैं, पूछ रहे होते हैं, वो सर 10 मिनट में आपके खत्म हो जाते हैं। बस कैंप किया और रेगुलर कैंप अटेम्प्ट करता था, असेंबली में आता था, जिससे मतलब एक बार पूरा दिन का स्ट्रेस आउट जो भी होता था वो निकल जाता था। और सबसे अगर ऐसे मेरे को बोलो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी, विच इज योर फेवरेट चीज़ हैपेंड इन योर लाइफ, तो मैं कहूँगा मेरे लाइफ में सीएलसी सबसे अच्छी चीज़ हुई है। क्या? क्योंकि अगर सीएलसी नहीं होती, अगर सीएलसी की टेस्ट सीरीज नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे टेस्ट वगैरह दिए सर, तो मेरे को देखा मैंने सब टेस्ट दिए आपने, 96 टेस्ट दिए, बहुत टेस्ट होते हैं 96 टेस्ट भाई। एक बता, तू आया कब था दीपावली पे? दीपावली कब होती है? अक्टूबर में थी, नवंबर। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद काउंट करें, कितने महीने? 7 महीने हुए, 210 दिन भैया तुम 96 टेस्ट दिए, तो औसतन 3 दिन 2 टेस्ट हो गए।
तो रोज टेस्ट होता करीब पड़े तो याद कर 10 मार्च से लेके 14 जुलाई रोज टेस्ट होने पड़े यार प्लीज। जब 10 मार्च को बायोकेम स्टार्ट हुई थी तो ऐसा था कि अब 1 महीने में पूरी बायोलॉजी भी कवर हो जाएगी और पूरी केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, तो एक बार के लिए बायो और केमिस्ट्री कवर होगी। फिर 1 वीक का गैप दिया जिसमें लगभग मैंने पूरे सीएलसी के सारे जो भी बायोकेम के पेपर हुए थे उनको एक बार, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हुए मेरे जो मैंने एक पेपर पे अलग नोटबुक में लिख दिए थे उन सबको मैंने 1 हफ्ते में रिवाइज कर लिया। और उसके बाद जब हमारा फिजिक्स को चालू हुए तो 15 दिनों में वो लगभग सर फिजिक्स पूरी हो गई थी। तो ऐसे एक बार में हमारा मतलब एक बार के लिए 1 महीने में सिलेबस हो गया था लगभग पूरा, 1 और 1.5 महीने में। तो ऐसे एक बार कॉन्फिडेंस आ गया था, अरे वाह जीवन में पहली बार एक बार डायरेक्ट पूरा सिलेबस कर दिया। तो एक फिर 1 वीक का गैप मिला और डीसीएम जब चालू हुए तो डीसीएम में वापस एक बार भाई वापस रिपीट सिलेबस चला। और जब लास्ट में जब दंगल स्टार्ट हुए थे तो दंगल के सर इस बार वो पेपर काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे थे। तो बता 665 से 700 आए, इसका मतलब हमारे पेपर का लेवल नीट से भी ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसे मेडल सेरेमनी होती है तो ऐसे सर अच्छा लगता था। मैं आशीष की बात को समराइज करता हूं दोस्तों, आपने एक बात कही कि मेरा माइनर का एक बार मार्क्स डिस्टर्ब हुए, तो मैं कहना चाहता हूं पूरी साल में किसी 1-2 टेस्ट में नंबर कम आने से आप टेंशन नहीं आए। 50 ओवर का मैच होता है उसमें 2 ओवर भी बेकार भी चले जाए तो भी 48 ओवर खिलाड़ी के पास होते हैं। दूसरा आपने कहा कि बी बिल्डिंग में आप रहे तो वातावरण सारा खेल वातावरण का है। सीएलसी में आपने पहला टेस्ट जो दिया उसके बाद करीब आप 8 महीने माने 240 दिन में आपने दोस्त टोटल 96 टेस्ट दिए, 8 महीने पूरे मान ले पर तो 240 डेज में आपने 96 टेस्ट दिए उनका एवरेज। और एक मैं बच्चे से मिलता हूँ पूरी साल में सबसे और उनको लिख के देता हूँ, मैं स्लाइड दिखाई ये मेरे हाथ से लिख के दिया हुआ है 700 नंबर और ये मेरी पूरी इज्जत रखी ये पूरे 700 लेके आया हर बच्चों लेके दिया अपना जाना उतरो इसको तो सेफ रखेगा मैं इधर घर लाइव जो करने आऊँगा फिर दिखाएंगे इसको। और सर ऐसा हुआ था कि जब बॉस मीटिंग ले रहे थे उसमें इसी ऑडिटोरियम में तो बॉस वैसे पर्सनली हर एक से मिलके उनके मार्क्स देखते हुए उसे बता रहे थे कि अब तुमको क्या करना है और ऐसे तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर मेरे को लगता है कि इतना होगा। तो जब ऐसे बॉस ने मेरे 700 लिखे तो मैं पहले तो बाहर आके कूदने लग गया था सर कि ऐसे 700 आ सकते हैं मेरे, ऐसे मैं बहुत खुश हुआ था। फिर मैं घर पे गया था उसके बाद 2-4 दिन बाद तो मम्मी को बोला कि बॉस ने बोला है ऐसे 700 आएंगे तू बस पढ़ता जा। तो मम्मी ने बोला, मम्मी ने इसको, मम्मी बोल रही थी कैसे जब वो आपने लिखा ना तो मम्मी ने इसको भगवान के वो पूजा घर में रखा था 3-4 बात है यार। अभी मेरे को मम्मी ने पट से बताया, मेरी बहन को बहुत बहुत प्रणाम कि मैंने इसको पूजा घर में रखा, अगर ऐसे उन्होंने विश्वास किया आपने तो अगर भगवान भी ऐसे विश्वास कर ले तो ऐसे नंबर आ जाए। तो दिल छू लिया इस बात पे तो बस मैं इतना ही कुछ कह। थैंक यू आशीष।